बिहार के जमुई जिले से 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। लोगों से ठगी करने वाले इन तीनों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों पाकिस्तानी गिरोह के इशारे पर केबीसी और अन्य लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जमुई पुलिस और पटना एटीएस की टीम सभी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तीनों अपराधी पाकिस्तानी साइबर गिरोह के साथ मिलकर केबीसी और अन्य प्रकार की लॉटरी लगाने के नाम पर लोगों से फोन कॉल और ईमेल के जरिए पैसे लगाने की बात करते थे। उसके एवज में लोगों को इन लोगों के द्वारा भरोसा दिया जाता था कि आप केबीसी के प्रोग्राम में जाएंगे, वहां से आप ढेर सारे रुपए जीत सकेंगे और कई तरह के लॉटरी के बारे में बताकर रुपए ऐंठते थे। फोन कॉल करने के बाद लोग भी इन छात्रों के बहकावे में आसानी से आ जाते थे। इन तीनों के पास से पुलिस ने 2 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल और 10 ATM कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किया है। इन शातिरों के बारे में सदर SDPO डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार हुए तीनों साइबर अपराधियों का सांठगांठ पाकिस्तान के साइबर अपराधियों से था। इस अपराध के मुख्य षड्यंत्रकर्ता के द्वारा सारे सहयोगियों के बैंक अकाउंट में रकम जमा किया जाता था। अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी, उनके निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में अंचल निरीक्षक जमुई अखिलेश जी और थाना अध्यक्ष लक्ष्मीपुर तथा तकनीकी शाखा की टीम के द्वारा हम लोग सूचना के आलोक में 3 लोगों को गिरफ्तार किए। पकड़े गए अपराधियों के पास से 10 ATM कार्ड, 2,82,000 रुपये कैश और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। उनकी फोन की जब छानबीन की गई तो ऐसा पाया गया कि लोग एक साइबर फ्रॉड हैं और इनका तार जो है विभिन्न अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ा हुआ है और 1-2 ऐसे सस्पेक्ट नंबर भी इनके मोबाइल में मिले हैं जो पाकिस्तानी नंबर हैं। और अपराधियों से जब इस बारे में पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि आबिद नाम के व्यक्ति हैं, उनका यह नंबर है। उनके मोबाइल से भी व्हाट्सएप पे भी पैसे की ट्रांजेक्शन और लेन देन की बातचीत का कुछ मामला संज्ञान में आया है, जिसकी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडिस ये था कि जिस कांड के जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वो अपने सहयोगी योग के अकाउंट में पैसा जमा कराया करते थे और इनके सहयोगी उस पैसे के 7% अपना कमीशन लेकर पुनः वो जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे उनके बताए हुए अकाउंट में जमा करा दिया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला पूर्णतः साइबर फ्रॉड और हवाला से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। जब इन अपराधियों के व्हाट्सएप की जांच की गई तो एक मोबाइल नंबर मिला, ये किसी आबिद नाम के शख्स का था। आबिद पाकिस्तान का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इन अपराधियों के काम करने के तरीके से लगता है कि हवाला कारोबार से भी जुड़े हुए थे। पटना से ATS और आर्थिक अपराध इकाई की टीम जमुई पहुंचकर इनसे पूछताछ कर रही है। देशवा न्यूज के लिए जमुई से ब्रजमोहन भगत की रिपोर्ट।